निर्भया मामले में फांसी की सजा पाए चारों दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता की स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। ऐसे में 1 फरवरी को लगने वाली फांसी को लेकर रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर मोहर लगाते हुए सोमवार को पवन कुमार गुप्ता के वकील एपी सिंह के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उनका मुवक्किल नाबालिग है। सुनवाई शुरू होते ही एपी सिंह ने दोषी पवन की ओर से पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि 16 दिसंबर 2012 को पवन कुमार गुप्ता की उम्र 17 साल 1 महीने और 20 दिन थी। साथ ही यह भी तर्क रखा कि जब यह अपराध हुआ था तो वह नाबालिग था। इसी के साथ यह भी कहा गया कि अपराध के समय वह एक किशोर था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तथ्य को अनदेखी कर दी। जी हां, बता दें कि सोमवार को पवन कुमार की तरफ से पेश वकील एपी सिंह ने 3 जजों के बीच आर भानुमति, अशोक भूषण और बोपन्ना के सामने अपना पक्ष रखा। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर दावा किया था कि जिस समय यानी 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली के बसंत विहार में निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई उस समय पवन कुमार गुप्ता की उम्र 18 वर्ष से कम थी। यह अलग बात है कि कोर्ट ने निर्भया की याचिका खारिज कर दी थी। याचिका खारिज होने पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्भया की मां ने कहा कि यह फांसी की सजा टालने की कोशिश कर रहे हैं। फरवरी को तिहाड़ जेल में चारों दोषियों पवन कुमार गुप्ता, अक्षय सिंह ठाकुर, विनय कुमार शर्मा और मुकेश सिंह को फांसी दी जाएगी। दोषी पवन कुमार गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर हाई कोर्ट के 19 दिसंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें HC ने फर्जी दस्तावेज देने और समय के बावजूद कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के लिए उनके वकील की आलोचना करने के साथ जुर्माना भी लगाया था। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने पवन की याचिका का खारिज करने के साथ उसके वकील एपी सिंह पर 25,000 का जुर्माना लगाने के साथ दिल्ली बार काउंसिल से कार्रवाई के लिए भी कहा था। कोर्ट ने यह जुर्माना समय जारी होने के बाद एपी सिंह के पेश नहीं होने के चलते लगाया था।